हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पिछला व्लॉग में मैंने बताया था, तो मैं अभी ये वाला चटनी बना लूँगी। और ये रहा हमारा पूरी, तो इसको पैक करेंगे। डब्बा खोजना पड़ेगा, टिफिन तो है नहीं, तो कोई सा भी डब्बा हम डालेंगे ले जाएंगे। और अभी तैयार नहीं हूँ मैं, तैयार लेती हूँ पहले, तो कुछ उतना तो मेकअप करना नहीं है। थोड़ा सा ठंडी है, सुबह से हम लोग नहा लिए हैं, 7 बजे से मोनू भी नहा लिए, उसके पापा भी नहा लिए, और ठंडा पानी में हम लोग नहाए ना, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा, पता नहीं मेरे बच्चे को क्यों नहीं लग रहा। आज मैं ये वाला ड्रेस डालूँ और हल्का सा मेरे हाथ के पास इधर राइट तरफ ये वाला ड्रेस टाइट आ रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही थी, उसके वजह थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, जो पहले था उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो अभी मैं मेकअप कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा मेकअप करूँ। आज का फुल ब्लॉग देखना दोस्तों, कम से कम मैं पूरा ब्लॉग शूट करूँगी, जो भी होगा उधर इंटरव्यू में, उधर या फिर टेंपल जाएंगे, उधर उधर ही टेंपल है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, इंटरव्यू भी उधर ही है, तो घूम के भी आ जाएंगे, बोल के जा रहे हैं, और मेरा मन भी बहुत था वहाँ जाने के लिए। और तो चलते हैं। तो फ्रेंड रेडी हो गए हैं, तो अभी मैं खा रही हूँ खाना, तो खाना देख लो, इतना छोटा कटोरी में दाल चावल खा रही हूँ। किडनी जी ये भी दाल चावल खा रहा है, और चटनी बनाए हैं, कैसे पकड़ूँ। तो मैं अभी सुबह से, अभी 7 बजे से, इतना सुबह से इतना मतलब हैवी ज़्यादा खाना नहीं खा सकती, तो थोड़ा सा खा लेते हैं। मोनू नहीं खा रहे, और मैं लहसुन मिर्ची की चटनी बनाई हूँ, आपको दिखाती हूँ। मिर्ची बहुत तीखा, भैया मैं खुद उतना तैयार नहीं हुई हूँ। थोड़ा सा क्रीम, थोड़ा सा पाउडर, ये मेरा ये इसलिए हुआ है, पता नहीं इधर क्या होता है मुझे, तो थोड़ा क्रीम पाउडर और बिंदी लिप बॉम, और ये देख लो कितना तैयार हुआ है दोस्तों, पूरा खा रहा है मेकअप करके पूरा टीका वीका लगा के पंडित बन रहा है। देखो हीरो लग रहा हूँ, बोल रहा होगा अपने आप को, अवार्ड देने वाला काम कर रहा है आज सुबह से, रोटी बना के कभी कभी दाल चावल खाने से अच्छा लगता है। आज मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ कैंटीन से, क्योंकि सुबह सुबह से इतना सुबह से नहीं खिला था। मैं बोली थी ना, जो मेरे गाल के छोटे छोटे गड्ढे हैं क्रीम पाउडर लगाने से नहीं दिखते, देख लो। अगर मैं खाऊंगी ना, मेरा खाना 5 चम्मच है, मतलब 2 चम्मच और खा 3 चम्मच खा ली हूँ, और 2 चम्मच खाऊंगी तो ख़त्म हो जाएगा, इतना छोटा छोटा कटोरी में खा रही हूँ। तो पूड़ी वगैरह का भी डाल लेते हैं, पता नहीं किस में डालूँ, सोच रही हूँ। मैं तो झिल्ली में डालेंगे पूड़ी को, और चटनी को छोटा सा एक डब्बिया में, कौन सा डब्बा ले देखते हैं, मैनेज करते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, ये हमने डाल दिया है चटनी। सो फ्रेंड जाने के लिए तैयार हो गए हैं, मैंने पर्स भी पकड़ लिया है अपना, और ये
एक चीज तो पकड़ना ही है, बहुत जरूरी। कहा गया रे मेरा दुपट्टा। तो ये दूसरे का चुन्नी है, दूसरे सूट का, तो पकड़ ले रही हूँ इसी में। ब्लू माई फेवरेट, और मैं बहुत सारे मेरे पास ब्लू कलर के ड्रेस हैं, और मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बहुत सारे तो मतलब चुन चुन के हैं, कुछ अच्छी अच्छी रहते हैं ना, एक अटैचमेंट रहते हैं ऐसे वाले, नहीं तो और नहीं है, और इसलिए नहीं है, सॉक्स नहीं लगाएगा ऐसे पहनेगा, बाप रे इसका पैर दर्द नहीं होगा तुम्हें। ये देख लो दोस्तों, दुआ करो इसका नौकरी लग जाए। नौकरी लग जाए भीख मांगने से रोड में आ जाएंगे हम लोग, नहीं है ना, अब बिना जॉब का तो कुछ पैसे तो आने वाला है नहीं। खुजला आ रहा इधर, क्या होगा मेरे तो बात नहीं, मैं ऐसे भी सुंदर। अरे इसको खाने के लिए तो पकड़े नहीं तुम, को झीली में डालो, कवर में डाल के, वो वाला झीली में डाल के वो झोला में भर दो। कौन सा वाला? ये वाला हम नहीं जा जाते नहीं है। क्या है वो बाबा रे? क्या बोले? लाइक करो, शेयर करो, और नहीं कुछ, और कुछ नहीं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे मनु के लिए, और थैंक यू बोलता है कि तो प्यार से, मैं कुछ भी देती हूँ ना थैंक यू मम्मा ऐसे बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। ए मोबाइल कैसे पका होगा, चार्जिंग है कि नहीं मोबाइल मन में है? उधर है ना एक सॉक्स, उधर नहीं दिख रहा क्या? उधर भी तो है ना एक, तो इसका अभी तक नहीं हुआ है जूता जाती पहनना। आयो माँ मो बेटी गुल्ली मामा, लाइक करो शेयर करो। देखो मैं नहीं पता बोलने से भी उसको पता है, लाइक करो शेयर करो, लाइक कर देना मम्मा के वीडियो को। सो फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं रोड में, अच्छे अच्छे व्यूज़ को मैंने शूट किया है, जो अच्छे अच्छे व्यू हैं और दो दो देखने लायक हैं, और देख लो कितना अच्छा है ना, इतना बड़ा तालाब, बाबा रे बाबा।
देख के ही मन खुश हो जा रहा था। कम से कम ये आधा किलोमीटर तक तो लंबा था, रोड में पूरा तालाब दिख ही रहा था। और इधर कुछ कुछ खेती हुआ है। ये वो गर्म होगा, छोड़ छोड़ उधर नहीं रही, साइलेंसर में मत बैठ। क्या मामा? देखो दोस्तों, मैं इसके लिए खरीदी हूँ ये वाला डॉल, हनुमान वाला। तो ये वाला नहीं लूँगा बोल रहा है, लड़की वाला लूँगा बोल रहा है और रो रहा है। ये वो बाबू मुत्तू करे भाग रही, वही बाबू। सो फ्रेंड, इधर हो रहा है इंटरव्यू, देख लो कितना सारा गाड़ी है यहाँ पे। और ऐसे गली के बीच में ऑफिस है ना, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। इधर है ऑफिस। सो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल नाइट को ज़्यादा ही नाइट हो गया था, जिसके वजह से मैं क्या बोलते हैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। मेरा मोबाइल भी मतलब स्विच ऑफ हो गया था, 12 बोलती हूँ 5% चार्जिंग बचा था। फिर मैं बैठे बैठे वहाँ पर 11 बजे तो पहुँच गए थे अपन, 30 लोग आए थे इंटरव्यू में। क्या हुआ क्या नहीं मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बता दूँगी, अभी ये वाला ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है तो इसी वजह से मैं इसमें ऐड नहीं कर पाऊँगी उसको। एक प्रॉपर बैठ के बाद बोलना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आप लोग ज़रूर वेट कीजिएगा कि इंटरव्यू का क्या रिजल्ट है। ठीक है, बाय। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, मैं रेगुलर ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आप लोग सपोर्ट बनाना एक एक कम से कम एक एक शेयर कर देना ताकि मेरा सपोर्ट हो जल्दी और हम लोग जल्दी घर जाएँ।